रूम टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं और उनका स्पीड 10^5 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम उसके अंदर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को लें तो एक निश्चित समय में हम यह पाते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में भी मूव करते हैं, क्योंकि नेट मूवमेंट जीरो होता है और यही कारण है कि उस कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो पाया जाता है। व्हेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, हम लोग जैसे ही कंडक्टर्स के एंड के बीच में बैटरी को लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, वैसे ही इसके एंड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना स्टार्ट होता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना प्रारंभ होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल की ओर खींचते चला जाता है, जिसके चलते उनका मूवमेंट होता है। वास्तव में ये सारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव नहीं करते, बल्कि जैसे ही इनमें मूवमेंट स्टार्ट होता है वैसे ही ये किसी न किसी लैटिस पॉइंट से टकराते हैं और अपने सभी काइनेटिक एनर्जी को खो लेते हैं। इसके बाद क्योंकि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से इनमें दोबारा मोशन स्टार्ट होता है, और फिर जैसे ही ये मूवमेंट करना चालू करते हैं तुरंत ही ये फिर से किसी अन्य पार्टिकल से टकराते हैं और अपना एनर्जी लॉस कर देते हैं। इस प्रकार इनका वास्तविक जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट ना होकर बहुत धीरे धीरे होता है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे हम लोग आई सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, जिसे ए लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल ए। और इसे नापने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है आमीटर। और इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइंड क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ द रेट एट विच नेट चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करेंट को क्वांटिटेटिवली इस तरीका से डिफाइन किया गया है, जैसे किसी कंडक्टर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उससे पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास होता है, और इसलिए इसका फार्मूला है I = Q/T। हम लोग जैसे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि वेलोसिटी दो प्रकार के होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, वैसे ही यहाँ पर भी दो प्रकार का करंट होगा, एक इंस्टेंटेनियस करंट और एक एवरेज करंट। तो हम लोग क्लास 10 में जब भी करंट बोलेंगे तो उसका मतलब एवरेज इलेक्ट्रिक करंट ही। अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो तो पर भी हर जगह पर करंट एक समान रूप से जाता है। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ चार्जेज का फ्लो बहुत तेज़ी से होगा, और जहाँ ज़्यादा होगा एरिया वहाँ चार्जेज धीरे धीरे फ्लो करेंगे ताकि करंट की मात्रा हर जगह बराबर रह सके। करंट दो प्रकार के होते हैं, एक DC करंट और एक AC करंट। DC करंट में समय के साथ साथ करंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अल्टरनेटिव करंट में करंट का डायरेक्शन एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। दोनों में यही डिफरेंस है।